गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कुछ हिंदी की ऐसी क्रियाओं के विषय में अध्ययन करेंगे जो हिंदी में तो एक होती है लेकिन अंग्रेजी में उस हिंदी के लिए कई कई क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। भाव के अनुसार यह देखा जाता है कि उस हिंदी का असली अर्थ क्या है, उस वाक्य में वह क्या भाव व्यक्त कर रहा है उसके अनुसार अंग्रेजी लगाई जाती है। उसी चैप्टर के अंतर्गत यह कुछ आवाजें और कुछ बोलियों का अनुवाद, यानी कुछ आवाजें और बोलियों का अनुवाद कैसे किया जाता है। जैसे वह भर भर आ रहे है, वह भर भर आ रही है, सी इज मर्मरिंग। वह भन भन आ रही है, सी इज मर्मरिंग। वह कानाफूसी कर रही है, सी इज विस्परिंग। वह कानाफूसी कर रही है, सी इज विस्परिंग। वह चिल्ला रही है, सी इज क्राइंग। वह चिल्ला रही है, सी इज क्राइंग। वह चीख रही है, सी इज श्रीकिंग। वह चीख रही है, सी इज श्रीकिंग। वह सिसक रही है, सी इज सॉबिंग। वह सिसक रही है, सी इज सॉबिंग। वह आहें भर रही है, वह आहें भर रही है, सी इज साइंग। साई आहें भरना। वह आहें भर रही है, सी साइन। वह कराह रही है, सी इज मोनिंग। सी इज मोनिंग अथवा सी इज ग्रोनिंग। सी इज ग्रोनिंग। वह कराह रही है, सी इज मोनिंग अथवा सी इज ग्रोनिंग। वह सिस्कारी दे रही है, सी इज विसलिंग। वह सिस्कारी दे रही है, सी विसलिंग। वर्षा की बूंदे तड़ तड़ पड़ रही है, द रेन ड्रॉप्स। वर्षा की बूंदे द रेन ड्रॉप्स आर पैटरिंग। पैटरिंग तड़ तड़ाना। द रेन ड्रॉप्स आर पैटरिंग, PATTERING, पैटरिंग तड़तड़ा रही है। वह बड़बड़ा रही है, वह बड़बड़ा रही है, सी इज चैटरिंग। वह बड़बड़ा रही है, सी इज चैटरिंग। फाटक चरमराहट के साथ बंद हुआ, फाटक चरमराहट के साथ बंद हुआ। द गेट क्लोज्ड विथ ए क्रैश, द गेट क्लोज्ड विथ ए क्रैश। फाटक चरमराहट के साथ बंद हुआ, द गेट क्लोज्ड विथ ए क्रैश या विथ ए बैंग। द गेट क्लोज्ड विथ ए क्रैश या विथ ए बैंग। यह आवाज कर्णपटु है, यह आवाज कर्णपटु है। दिस साउंड इज जैरिंग टू द ईयर्स, यह आवाज कर्णपटु है। दिस साउंड इज जैरिंग टू द ईयर्स। कबूतर या कोयल कूक रही है, कबूतर या कोयल कूक रही है। दीपिगन वाज कूइंग या दी कूको इज कूइंग। दी पीगन इज कूइंग या दी कूको इज कूइंग। कौवा काव काव कर रहा है, कौवा काव काव कर रहा है। दी क्रो इज क्रोइंग या दी रैवन इज क्रोइंग। कौवा काव काव कर रहा है, दी क्रो इज क्रोइंग या दी रैवन। रैवन आर ए वी ई एन, रैवन बोलते हैं पहाड़ी काले कौवे को। क्रोइंग। मुर्गा, मुर्गा बाग दे रहा है, मुर्गा बाग दे रहा है। दी काक इज क्रोइंग, मुर्गा बाग दे रहा है। दी काक इज क्रोइंग। पंछी
चहचहा रहे हैं, पंछी चहचहा रहे हैं, बर्ड्स आर चर्पिंग या बर्ड्स आर ट्वीटरिंग, TWITERING, द बर्ड्स आर ट्वीटरिंग। मक्खियां भन भना रही हैं, मक्खियां भन भना रही हैं। फ्लाइज आर बूजिंग, मक्खियां भन भना रही हैं। फ्लाइज आर बूजिंग। मधुमक्खियां गुनगुना रही हैं, मधुमक्खियां गुनगुना रही हैं। बीस आर ह्यूमिंग, मधुमक्खियां गुनगुना रही हैं। बीस आर ह्यूमिंग। तोते बोल रहे हैं। पैरट्स आर टॉकिंग। गधे रेंक रहे हैं। एसेज आर ब्रेइंग, BRAWING। गधे रेंक रहे हैं, एसेज आर ब्रेइंग। भालू गुर्रा रहे हैं, बियर्स आर ग्राउलिंग। भालू गुर्रा रहे हैं, बियर्स आर ग्राउलिंग। बिल्लियां म्याऊ म्याऊ कर रही हैं, बिल्लियां म्याऊ म्याऊ कर रही हैं। कैट्स आर म्यूइंग या कैट्स आर प्यूरिंग। सियार हुआ हुआ कर रहा है, जैकाल्स आर हाउलिंग। सियार हुआ हुआ कर रहा है, जैकाल्स आर हाउलिंग। गाय डकार रही हैं। काउज आर लूइंग, डकार रही हैं। काउज आर लूइंग। घोड़े हिन हिना रहे हैं। Horses are neighing. कुत्ते भौंक रहे हैं। Dogs are barking. बाघ सिंह गरज रहे हैं। Tigers या lions are roaring। हाथी चिघार रहे हैं। Elephants are trumpeting। Elephants are trumpeting, चिघारना। Elephants are trumpeting। Menduck tar tara rahe hain. Frogs are croaking. Frogs are croaking. सांप फुफकार रहे हैं। Snakes are hissing. बकरियां मेमिया रही हैं। Goats are bleating. Goats are bleating. बंदर या टाइपराइटर कटकटा रहे हैं। Monkeys are chattering या टाइपराइटर्स आर ट्वीटरिंग।
बंदर कटकटा रहे हैं या टाइपराइटर कटकटा रहे हैं, मंकीज आर चैटरिंग या टाइपराइटर्स आर चैटरिंग, पानी भंवर काट रहा है, पानी भंवर काट रहा है, वाटर इज स्विरलिंग, वाटर इज स्विरलिंग, पानी भंवर काट रहा है, वाटर इज स्विरलिंग, वह थर थरा रही है, वह थर थरा रही है, सी इज शेकिंग, वह थर थरा रही है, सी इज शेकिंग या सी इज ट्रेम्बलिंग, वह थर थरा रही है, सी इज ट्रेम्बलिंग, अथवा सी इज सीवरिंग, एस एच आई वी ई आर आई एन जी, सी सीवरिंग थर थरा रही है मतलब कांप रही है, वह लड़खड़ा रही है, वह लड़खड़ा रही है, सी इज स्टैगरिंग, एस टी ए डबल जी ई आर आई एन जी, सी इज स्टैगरिंग या सी इज स्टम्बलिंग, वह लड़खड़ा रही है, सी इज स्टैगरिंग या सी इज स्टम्बलिंग, एस टी यू एम बी एल आई एन जी। यानी इस तरह से आपने देखा कि हिंदी में ये कुछ पशु पक्षियों या अन्य चीजों की जो आवाजें होती हैं, वो बोलियां होती हैं, उनको अंग्रेजी में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। और इस प्रकार यह इस चैप्टर का यानी कुछ क्रियाओं के अनुवाद का आखिरी वीडियो था, यानी 11वां वीडियो है। इसी के साथ हिंदी में दिए जाने वाले कुछ ऐसे धातु ऐसी क्रियाएं जिनके लिए अंग्रेजी में विभिन्न प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वह समाप्त हुआ। और इसके बाद अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा, कुछ भी व्यक्तियों के अनुवाद किस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी में करते हैं। थैंक यू।